दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फोटोशॉप के वीडियो में हम देखेंगे कलर के कुछ जो टूल्स है, पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, मिक्सर टूल है, वो सभी टूल है मैं आज आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ये मैंने फोटोशॉप अभी ओपन कर लिया है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ पहले। ठीक है, अनलॉक कर दिया है और यहाँ पे पहले पास मेरे पास एक फ्रूट का इमेज है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी फोटो है उस पर हम ब्रश लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसके ऑप्शन मिल जाएंगे, इसकी साइज कितनी रखनी है, आपके हार्डनेस कितनी है। ठीक है, तो इसको मैं 100 करता हूँ और यहाँ से कलर को मैंने ये देखिए फिल करना शुरू किया। तो ये हो गया ब्रश टूल। तो ब्रश टूल की यहाँ ओपेसिटी देख सकते हैं आप, यहाँ से आप ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो यहाँ से मैं हार्ड 100% ले लेता हूँ। तो ये देखिए, आप इसको ऐसे ही प्रिंट भी करवा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसकी ओपेसिटी मान लीजिए मैं 50 रखता हूँ। ठीक है, इसकी ओपेसिटी मैं 50 लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, तो इसका जो लेयर है ये रेड इफेक्ट में यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये आपका इमेज हो गया रेड में इफेक्ट में। आप कहीं भी इमेज, ऐसा भी आप इमेज आपने कहीं भी देखा होगा शायद। ठीक है, तो इसको आप फिल कर सकते हो। तो इसकी हम साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ी, ताकि ये जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये देखिए, पहले हमने फिल कर लिया था इसलिए ये ओवर राइड हो रहा है, और पहले से करते तो यही हो गया। ये देखिए, ठीक है, इसके हम इससे कलर भी कर सकते हैं। अगर ओपेसिटी में 100 कर दूं तो ये पूरा का पूरा है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्रश टूल। अब ब्रश टूल के बाद आता है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल को आप सभी को पता ही है, पेंसिल टूल से आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहां से कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहां पे लगा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, ब्रश टूल से आप कुछ भी यहां से लिख सकते हो, कुछ आपको कुछ टचिंग करना हो तो आप टचिंग भी यहां से कर सकते हो। ये था है पेंसिल टूल। ठीक है, तो यहां से अभी हटा लेता हूं इसको, ये देखिए। अब उसके बाद आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो दोस्तों पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये ऑप्शंस में जाके टूल्स, वो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल टूल्स का यूज है वो बता रहा हूं, ताकि आपको याद रह जाए आराम से। ठीक है, मेरे पास सभी वीडियो है, मैं सभी वीडियो एक साथ नहीं डालूंगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, इसलिए मैं डेली वीडियो डालता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो यहां से क्या होता है, ये जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है, जो आपका एक्चुअली आपका जो ऑब्जेक्ट का कलर है उसको ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, स्ट्रॉबेरी को। ठीक है, अब उसकी कलर को मुझे चेंज करना है, तो मुझे यह रेड कलर है, तो यहां से मैं चलिए येलो जैसा ले लेता हूं। ये देखिए, तो यहां से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो ये येलो शेड में आ जाएगा। ये देखिए स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये सेंटर में जो प्लस दिखाई दे रहा है ना आपको, उसी से आप इसका कलर है वो रिप्लेस कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, और यहां पे भी आपको दूसरी इमेज है मेरे पास, ये देखिए दूसरी इमेज है मेरे पास, वो है रेड कप है। ठीक है, तो उसको मैं यहां से चेंज करता हूं इसका कलर थोड़ा सा। ओके, अब इसको यहां से कलर रिप्लेस करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो जो सेंटर में जो प्लस है ना आपके पास, उससे ही वही सेंटर रहेगा और वही टॉपिक रहेगा। यहां पे आप देखिए, ये देखिए, ये राउंड में जितना भी कवर एरिया होगा वो कवर कर लेगा। ये देखिए, वो जो आपका प्लस है ना राउंड के बीच में, वो आपको मेंटेन करके रखना है। ये देखिए, देखिए ये आपका गया कलर कंप्लीट। ये था कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये देख सकते हैं आप, आपको कितना एडवांटेज होगा इस टूल से। ठीक है, देखिए, अगर इस लैपटॉप का मुझे कलर चेंज करना है तब भी मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड वाला, ये कलर। ये देखिए,
ठीक है, ये देखिए, यहाँ से कुछ यहाँ से रिमूव नहीं होगा, लेकिन उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, वो अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है गाइस, तो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया। ये देखिए, तो ये था कलर रिप्लेसमेंट टूल। और जो इसके बाद आता है मिक्सर ब्रश टूल, तो मिक्सर ब्रश टूल का बहुत अच्छा एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांस लेवल में आप जाएंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ अभी तो ये बिल्कुल सिंपल है, दोनों कलर को ऐसे ही आप याद रखें कि दोनों कलर को ये मिक्स करता है। मान लीजिए स्ट्रॉबेरी का रेड कलर है, योर टेबल का है ब्लू, तो इस दोनों कलर को ये मिक्स कर देगा। जब मैं इसके पास से ही अपना कर्सर घुमाऊंगा तो ये देखिए दोनों कलर को सिर्फ मिक्स कर रहा है। आपको अभी सिर्फ यही याद रखना है, इसके एडवांस लेवल में बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों कलर को सिर्फ मिक्स कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको सब यही याद रखना है। एडवांस लेवल में हम जाएंगे तब आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो बेसिक ही समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से हम एडवांस तक फोटोशॉप सीखेंगे दोस्तों। तो इसे कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।